बहुत खुशी है। आज भगवान अयोध्या का भाग जगह है, माता जी के यहाँ से भार आया है। भार आना बहुत ही शुभ काम माना जाता है, हम लोग उसी तरह से उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा, कल से ही तैयारी चल रही है। अभी आप देखिएगा बहुत सारी तैयारी की है, तो लगा करके आरती जी 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 जी। सौभाग्य है मेरा कि मिथिला के लोग आए और हम लोग स्वागत करें। कई सालों क्या सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा सौभाग्य मिला है हम लोगों को, धन्य है आज अयोध्या। तो विवाह में लड़की का घर लड़के के घर को कुछ भेंट देता है, मिथिला में उसी को भार कहा जाता है। भार का मतलब एक लाठी, एक बांस कंधे पर रहता है और उस बांस के दोनों कोनों पर टोकरों में भेंट का सामान रखा होता है। तो ये ऐसे भार लेकर जनकपुर, बीरगंज, मिथिला, ऐसे नेपाल का समाज, राम भक्त समाज 500 की संख्या में, मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतनी बड़ी संख्या कैसे आई। आज सवेरे शायद 4 बजे आए हैं, तो रात के 12 बजे के बाद से आना शुरू हुए, सवेरे 4 बजे तक आते रहे। ये भगवान के लिए, राम के लिए, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लिए अपने भार लाए हैं। भार यानी भेंट, भार यानी उपहार, उपहार भेंट। अब मेरी लाचारी है कि भाई मुझे स्वीकार करने पड़ेंगे, स्वीकार तो करना चाहिए था यहाँ के संतों को, साधु संत ही यहाँ के दशरथ हैं, हम तो नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी आए हैं तो मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। और ये भगवान के प्रसाद रूप में सब उपयोग हो जाएगा, ऐसा विचार कर रहा हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।